एक अखबार हूं मैं, औकात ही क्या मेरी, एक अखबार हूं मैं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। आए दिन हम देखते ही रहते हैं। सम्मानित मंच, पंडित माखनलाल जी को नमन करते हुए, मीडिया के सामने चुनौतियां बहुत ज़्यादा है, जिसमें खासकर सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। हमें सबसे ज़्यादा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारी नहीं फैलाना चाहिए, और ऐसी भ्रामक जानकारियाँ होती है तो उसकी तत्काल सूचना प्रशासन को देना चाहिए, क्योंकि डिजिटल मीडिया बहुत अच्छे से काम करता है। डिजिटल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट का भी एक सहयोगी है, लेकिन सोशल मीडिया बहुत खतरनाक रूप में होते जा रहा है, वो जहर के रूप में फैलते जा रहा है, तो उस पर पाबंदी, अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो सच्चाई है, जो खबर है, जो पॉइंट है, वो बाहर निकल कर आए, उसी पे सबका ध्यान रखना चाहिए, और वही एक सशक्त माध्यम है। माध्यम हमेशा अच्छा होता है, लेकिन उसको समझने और सोचने का तरीका अलग होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक्टिविटी रहेगी हम लोगों की, और इसके पश्चात मैं, चूँकि मौका भी है, हम माखनलाल की जयंती के दिन जिले में अच्छे कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित भी करते हैं कुछ। 10 तारीख के हमारे स्टेट मीडिया के, क्योंकि आज पहला मौका है, शशि देशमुख मैडम पत्रकारों के बीच में है, तो पत्रकार साथी चाहते हैं कि कुछ फोटो सेशन भी हो जाए साथ में, और इस याद को सहयोग करते हैं कि हमने कोई एक्टिविटी साथ में मिलकर जिला प्रशासन के साथ मतदाता जागरूकता अभियान के लिए शुरू की थी। इसके बाद सारे पत्रकार साथी अगले कुछ दिनों में फील्ड में रहेंगे। पद्म भूषण पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की जयंती सशक्त पत्रकार समिति, यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्र पत्रकार मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में मनाई जा रही है। इस आयोजन में हमने एक एक्टिविटी और, आगामी चतुर्वेदी जी की 135वीं जयंती पर उनको सादर शत शत नमन करती हूँ, और उसके साथ ही जो आपने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा उसके लिए आप सभी को साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और इस कार्यक्रम, जो आपका पत्रकारिता का कार्यक्रम था, उसके साथ ही आपने इसको जो मतदान अधिकतम कैसे किया जाए, कैसे मतदान को बढ़ाया जाए, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।